बीजेपी सांसद राकेश सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हुई बीजेपी की, सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है, क्या रहा? एक ही मुद्दा है, देश की जनता के मन में माननीय मोदी जी को लेकर जो अटूट विश्वास है, ये उसी का सुखद परिणाम। जनता चाहती है कि जिसका नेतृत्व केंद्र में माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उसी पार्टी की सरकारें राज्यों में भी बने, और ये उसी का सुखद परिणाम है ये ऐतिहासिक और प्रचंड जीत। आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया? स्वाभाविक है, मैंने वही कहा है कि जनता के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में देश है, और प्रदेशों में भी लोग यही मानते हैं कि मोदी जी के साथ में जो भावनात्मक जुड़ाव लोगों का बन चुका है, लोग उनका नेतृत्व चाहते हैं, लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा और विश्वास करते हैं, और मोदी जी का चेहरा इस समय इन राज्यों में जनता के सामने था और जनता ने उस चेहरे को देखकर मतदान किया और ये प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। आखिरी सवाल कि अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा बीजेपी का या सरकार का? ये सवाल कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बेमानी है, क्योंकि कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी ये पार्टी तय करती है। पार्टी ने तय किया कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव लड़े, बाकी जिम्मेदारी किस कार्यकर्ता की क्या होगी इसका निर्णय नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष नकारात्मकता का प्रभाव सदन के अंदर ना डाले, इस बात की कोशिश करे कि जो हार हुई है उसका फर्क सदन के अंदर दिखाई ना दे। मैं बस यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी शायद, क्योंकि पार्लियामेंट आते नहीं है, वो जानते नहीं है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है, जो भी डिविसिव आइडियाज़ आते हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाते हैं। देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हों, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, मणिपुर के हालात हों, उस पर चर्चा होने नहीं देते हैं। तो शायद प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगी कि और थोड़ा पार्लियामेंट में आना शुरू करें और देखें कैसे विपक्ष को दबाया जाए। बीजेपी के सांसद गदगद हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री के बाइट के बाद ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री का इस्तकबाल बीजेपी के सांसद सदन के अंदर करने वाले हैं। ये करें, बिल्कुल करें, जीत हुई है और भारी संख्या में जीत हुई है, तो वो मैं मानती हूँ बधाई के पात्र हैं। पर साथ ही साथ जब कोई जीतता है, थोड़ा हम्बल, थोड़ा ग्रेशियस और थोड़ा डिग्निटी से अगर सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा ठीक है।